नमस्कार। किन्नौर अब तक के साहित्यिक पटल पर आज काव्य संध्या के इस आयोजन में आप सबका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है और बहुत ही खुशी की एक खबर है। किन्नौर अब तक के समस्त दर्शकों और श्रोताओं के लिए कि आज के कार्यक्रम में हिंदी की दो जानी मानी कवित्रियां जिन्होंने अपनी कविताओं से साहित्य जगत का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया है और जिनका नाम है रचना शास्त्री और निवेदिता श्रीवास्तव गार्गी, हमारी इस काव्य गोष्ठी में शिरकत कर रही हैं। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और इस कार्यक्रम में हमारे साथ हिमाचल प्रदेश से अमित रत्ता जी भी आएंगे, भाग लेंगे। अभी वो नहीं जुड़ पाए हैं, हम इंतजार कर रहे हैं कि अमित रत्ता जी भी कार्यक्रम पधारे और आज की काव्य गोष्ठी में वो शरीक हों। अगर मैं आदरणीय रचना शास्त्री जी से ये कहूं कि वो सरस्वती वंदना वगैरह अगर प्रस्तुत कर सकती हैं तो वो प्रस्तुत करें, क्योंकि माता सरस्वती की कृपा से ही समस्त कलाओं की सृष्टि इस धरती पर हुई है और उनका स्मरण करना बहुत ही आवश्यक है। रचना शास्त्री जी, आप एक सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें। एकदम हम सौभाग्यम आज इस पटल पर मुझे माँ सरस्वती की वंदना का अवसर मिल रहा है। आइए आप सब भी मेरे साथ माँ सरस्वती का ध्यान करें। सरस्वत्यै नमो नित्यम भद्रकाल्यै नमो नमः वेद वेदांत वेदांगः विद्या स्थानी च सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देवी नमस्तुते। वागर्थाविव संप्रक्तौ वागर्थाविव प्रतिपत्तये जगत्पित्रौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। के चरणों में प्रणाम करते हुए की वंदना में रखती हूँ, आप सब भी जुड़िएगा। चले सतपथ सदा ऐसा हमें वरदान दो, गिरा तुम ज्ञान दाहो बुद्धि विद्या ज्ञान दो। चले सतपथ सदा ऐसा हमें वरदान दो, करो मानस तमस विमले विमल मेधा करो, करो मानस तमस विमले विमल मेधा करो। सुरों से हीन वीणा में नए सुर नव गान दो, गिरा तुम ज्ञान दाहो बुद्धि विद्या ज्ञान दो। भरो नवराग झंकृत हृदय के तारे कर दो, भरो नवराग झंकृत हृदय के तारे कर दो। मेरा जो कंठ ले वागीश्वरी, मेरा जो कंठ ले वागीश्वरी नान दो, गीता तुम बुद्धि विद्या ज्ञान दो। चरा चल तनु करण दुखा रही करते सदा, चरा चल तनु करण दुखा रही करते सदा। मधुर कोई जगत को गीत का प्रतिमान दो, गिरा तुम ज्ञान दाहो बुद्धि विद्या ज्ञान दो। लगन छूटे नहीं अब जो लगी है शारदे
लगन छूटे नहीं अब जो लगी है शारदे सदा महा मान दो ऊंची जगत में शान दो गिरा तुम ज्ञान दाहो बुद्धि विद्या ज्ञान दो चले सत पथ सदा ऐसा हमें वरदान दो। बहुत बहुत धन्यवाद। जो कुछ भी जैसे बहुत बहुत सुंदर बहुत सुंदर आपने माता सरस्वती का प्रस्तुत की, उनकी प्रार्थना आपने की है और ये सब के लिए कारक हो, हम सभी लोग जीवन में उन्नति करें और वो माता सरस्वती बुद्धि विवेक प्रदान करें। और बहुत खुशी की बात है कि दीपिका शर्मा जी ही आज कार्यक्रम में आई हैं। नमस्कार दीपिका जी के, नमस्कार दीपिका जी के बारे में आप सभी जानती हैं, दीपिका जी कवित्री हैं और राजस्थान के निम्बा हेरा की रहने वाली हैं, निम्बा हेरा। और इन्हें तीन तीन भाषाओं में इन्होंने एमए की पढ़ाई की है, हिंदी में और संस्कृत में और राजस्थानी में। दूसरी हैं, राजस्थान सरकार की शिक्षा सेवा में हैं, अध्यापिका हैं और आज हम लोग इनसे कविताएं सुनेंगे। और थोड़ी देर पहले स्क्रीन पर अमित दत्ता जी भी दिखाई दे रहे थे लेकिन अभी वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो अमित दत्ता जी भी मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जुड़ जाएंगे और जुड़ गए हैं। देखिए अमित दत्ता जी आपका स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले हम अमित दत्ता जी से आग्रह करेंगे वो अपना परिचय दें और अपने काव्य लेखन के बारे में, अपने शहर के बारे में और काव्य लेखन से जुड़े हुए उससे जो पहलू हैं उनसे हमें अवगत कराएं। आपका स्वागत है अमित दत्ता जी। जी नमस्कार सर, मैं अमित दत्ता, तहसील हम जिला ऊना हिमाचल प्रदेश से। मुझे थोड़ा आवाज कम आ रही है, मुझे नहीं, आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही है, आपकी आवाज बिल्कुल साफ साफ आ रही है, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। जी सबसे पहले तो मैं, मेरे लिए आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आप जैसे बड़े बड़े रचनाकारों काव्यकारों के साथ बैठने का मौका मिला, इसके लिए मैं आपके चैनल का, आपके दर्शकों का, आपके साथ जुड़े साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और ये बड़ा ही सराहनीय कदम है कि आप जमीन से जुड़े लोगों को भी इतना बड़ा मंच दे रहे हो और मैं अपील करूंगा अपने साथियों से कि अगर किसी के अंदर कोई भी प्रतिभा है तो वो आपसे संपर्क करे और वो भी मंच का फायदा उठाए। तो कविता के मैं शुरू करता हूँ, मेरी आज मैं पहली कविता सुनाऊंगा आपको जिसका शीर्षक है मेरी बेटी लौटा दो मुझे। ये दहेज प्रथा पे है, मतलब एक बाप जिसकी बेटी दहेज की बलि चढ़ जाती है वो अपनी बेटी की लाश अपनी गोद में रख के क्या सोचता है, उसके मनोभाव क्या है, उसी के विषय में ये कविता है। तो मैं पढ़ता हूँ। वो कहता है कि वो फूलों सा चेहरा, वो कोमल बदन, वो उंगली पकड़ के मेरी जो रखा पहला कदम, वो किलकारियां, वो हंसना, वो मुस्कुराना उसका, वो करके छिड़ाते हैं छुप जाना उसका, कैसे भुला दूं वो नाजुक हाथों का छूना मेरे गालों से, वो पीठ पे बैठ के मेरी खेलना मेरे बालों से, कैसे भुला दूं वो पल जो मैंने मुश्किल से सहा था जब पहली बार तोतली जुबान से उसने मुझे पापा कहा। माँ गुजर गई थी उसकी, फिर भी हर गम पी गया मैं, देख के मुस्कुराहट उसकी ना चाहते भी जी गया मैं। काम से आता तो दौड़ के आके सीने से लिपट जाती थी उसकी नन्ही बाहों में, सारी थकान मिट जाती थी। पता ही नहीं चला कब उसके बचपन की शाम हो गई, देखते ही देखते मेरी बेटी जवान हो गई। बाप था, बाप होने का फर्ज अदा किया था मैंने, पत्थर रख के दिल पे बेटी को विदा किया था मैंने। जुलम ढापते रहे लोभी दहेज के, जुलम ढापते रहे लोभी दहेज के, वो हंस के सहती रही, देख के गरीबी मेरी मुझसे पापा मैं खुश हूं कहती रही। बेटों से ज्यादा चाह जिस दामाद को, उसने चाहत का जो सिला दिया, अंधा होकर दहेज की भूख में मेरी बेटी को जिंदा जला दिया। ना हंसती है ना रोती है, चुपचाप मेरी गोद में सोई है आज, मगर उसकी आंखें बता रही हैं कितना तड़पी कितना रोई है आज। कैसे उठाऊं, कैसे जगाऊं, कैसे गले से लगाऊं उसे, कोई बता दो मुझे, मेरी हर चीज दे दो इन दहेज के भूखों को, मगर मेरी बेटी लौटा दो मुझे, मेरी बेटी लौटा दो मुझे। थैंक यू। बहुत खूब, बहुत सुंदर।